हे गाइस, तो आपका सक्सेस सरकारी नौकरी पे स्वागत है। तो गाइस, इसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं DRDO से रिलेटेड। तो गाइस, आज हम जो है DRDO से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि DRDO के पिछले साल जो है एग्ज़ाम मतलब फॉर्म्स निकले थे, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी कि LDC, स्टोर असिस्टेंट यानी कि स्टोर कीपर और हलवाई ड्राइवर, काफ़ी सारी वैकेंसीज निकले सेप्टम A&A में। साथ ही अभी कुछ समय पहले फिर इन्होंने जो है DRDO MTS के भी फॉर्म निकाले थे। तो गाइस, बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके बारे में बहुत चीज़ें जानना चाहते हैं। तो आज हम जो है DRDO MTS एंड DRDO CEPTAM 09A&A के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस देखिए, DRDO में जो CEPTAM 09A&A के जो Tier 2 के इन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज़ किए हैं, तो ये बहुत बड़ा हिंट जाता है आप लोगों के लिए कि अब देखिए, अब मतलब जो लॉकडाउन हुआ था, जो चीज़ें होनी थी वो हो गई और अब चीज़ें जो हैं अनलॉक की तरफ है, अनलॉक वाले फेज़ की तरफ है हम। तो जैसा कि आपने देखा था, अभी सार्वजनिक समारोह के लिए भी 500-200 लोग जो है उनकी गाइडलाइन इशू कर दी गई है। तो धीरे धीरे गाइडलाइंस भी ढील दी जा रही है। तो अब जो है एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट होना स्टार्ट हो गए हैं विद सोशल डिस्टेंसिंग एंड जो पूरी प्रिकॉशंस हैं उसके साथ। तो उसी के तहत अब जो है अब एग्ज़ाम्स जो हैं पूरे होंगे और भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिससे कि अपने स्टाफ की वो पूर्ति कर सकें। तो DRDO MTS जो CEPTAM है, इसके जो एडमिट कार्ड रिलीज़ किए हैं, चलिए इसको देख लेते हैं, है ना। तो अब जो है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है उनकी डेट क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो रिज़ल्ट था इसका 23 नवंबर इसके एडमिट फॉर्म्स निकले थे, ठीक है, सॉरी एग्ज़ाम हुआ था। फॉर्म जो है अक्टूबर 19 में इसके लास्ट डेट थी भरने की, ठीक है, तो 15 अक्टूबर 2019 में। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इनका इन्होंने जो है 22 अप्रैल को यहाँ पे रिज़ल्ट भी दे दिया था, यानी कि अप्रैल में रिज़ल्ट आ गया था। लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने टाइपिंग टेस्ट वगैरह जो ट्रेड टेस्ट हुआ था, यानी Tier 2 जो होना था, वो थोड़ा डिले कर दिया कोरोना की वजह से। लेकिन अब उन्होंने जैसे ही देखा कि अब सब चीज़ें स्कूल वगैरह सब खुल रहे हैं, तो अब उन्होंने यहाँ पे इसके लिए भी इसकी घोषणा कर दी Tier 2 के एडमिट कार्ड के लिए, यानी आपका टाइपिंग टेस्ट, ड्राइवर टेस्ट या फिर आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट, ये सब जो है आपके होना स्टार्ट हो गए हैं। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे नोटिस भी जारी कर दिया है। अगर आप देखें तो शॉर्ट स्टेनोग्राफर का एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, हिंदी टाइपिंग, स्टोर असिस्टेंट, तो ये सब जो एग्ज़ाम्स हैं इनके जो हैं आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब ये बहुत बड़ा हिंट है MTS वालों के लिए। तो गाइस, पूरी तरह से तैयार हो जाइए, आपको जो है इसमें आपको पूरा जो है फोकस करना है अपने एग्ज़ाम को लेके। तो जिसके जो एग्ज़ाम में बहुत जल्दी कनेक्ट होने वाला है, और साथ में इसमें जो है आपका टाइपिंग टेस्ट जिनका है, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर लें, ठीक है। तो गाइस, इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, है ना। तो आप समझदार हैं, तैयारी रखिएगा अपनी। और आपको जैसे पता है कि आई एम ऑलरेडी वर्किंग एज अ क्लर्क, है ना, तो MTS से ही मतलब प्रमोशन हुआ है। तो आपको हर एक चीज़ की बारीक की जानकारी मैं यहाँ से इस चैनल से दे सकता हूँ। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।